हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा दो रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 फंदे, फिर से 6 फंदे, और लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 20 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, सीधी सबसे शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद हमने सेकंड कलर लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के फर्स्ट रो सीधी साइड। अब यहाँ पे हम 6 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदे हमने सेकंड कलर से सीधे बुनने हैं। धागे को आगे लाएंगे, फिर 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे स्टार्टिंग में हमने ग्रीन कलर से बुने हैं, 2 फंदे क्रीम कलर से बुने हैं, फिर 1 फंदा हमने ग्रीन से बुना है, फिर 1 फंदा हमने क्रीम कलर से बुना है। यही 6 फंदे हम पूरी रो में दोहराएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागे को आगे ले जाएंगे, 2 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे और 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर 1 फंदे को हम क्रीम कलर से बुनेंगे। यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइन बन गए हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदे को हम क्रीम कलर से बुनेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। दोनों फंदों को हम ग्रीन कलर से सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमारे सेकंड कलर के हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे सेकंड कलर के हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड रो है। अब स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 2 फंदे हमारे ग्रीन हैं। दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे हमने क्रीम कलर से बुनने हैं। धागे को ऐसे लेंगे और 2 फंदे हम क्रीम कलर से उल्टे बुन लेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदे को हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से हम रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे ग्रीन से, 2 फंदे हमने क्रीम कलर से बुने हैं, फिर 1 फंदा हमने ग्रीन से बुना है, फिर 1 फंदा हमने क्रीम कलर से बुना है। सेम फर्स्ट रो की तरह हम बना रहे हैं, सिर्फ फंदे हमारे उल्टे हो रहे हैं। और फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर आगे का 1 फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। यहाँ तक हमने 2 बार डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। दोनों फंदों को हम ग्रीन कलर से उल्टा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बैक साइड में स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन की सेकेंड रो बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब हमने बेस कलर से पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पर डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। यहाँ पर सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है।
यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह चार लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे अपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम फर्स्ट रो को फिर से बना रहे हैं, देखिएगा। छः फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, दो फंदे हम सेकेंड कलर से सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदे हम क्रीम कलर से सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदे को हम ग्रीन कलर से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से सीधा बुनेंगे। इन्हीं छः फंदों को हम पूरी रो में दोहरा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, दो फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे, और फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे, फिर आगे का एक फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम ग्रीन कलर से सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट रो के स्टार्टिंग में बनाया था उसी तरीके से बनाएंगे। स्टार्टिंग में दो फंदे हमारे ग्रीन हैं, दोनों फंदों को हम ग्रीन से बुन लेंगे और धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर दो फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। यही छह फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। और फिर से दो फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे और दो फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। और फिर से रिपीट कर रहे हैं। दो फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और दो फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, एक फंदा हम क्रीम कलर से बुनेंगे। लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम ग्रीन कलर से उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। डिज़ाइन की थर्ड रो को पूरा हमने सीधा सीधा बुनना है बेस कलर से, जिससे हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से हम पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। यहाँ पे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही चार लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। यहाँ पे डिज़ाइन को हमने दो बार रिपीट किया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यदि ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।